हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप और हम वन प्लस स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर वन प्लस के जो स्मार्टफोन हैं वो लगभग 34 देशों में रन होते हैं। 34 देश जो हैं यहाँ पर वन प्लस के स्मार्टफोन का यूज करते हैं। परंतु आपको मैं बता दूँ, वन प्लस ने आज यहाँ पर काफ़ी ही कुछ खास फैसला लिया है, जिसको यहाँ पर बताया गया है कुछ इस तरीके के थ्रीड के द्वारा। इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि जो वन प्लस के मोबाइल फ़ोन है वो आपको ऑक्सीजन ओएस बेस देखने को मिलते हैं, परंतु आगे से आने वाले फ्यूचर में वो अब कलर ओएस बेस के कोड पर आधारित होंगे। वो यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस को मर्ज करेंगे, तो ये आपको कैसे देखने को मिल सकता है आपके डिवाइस पर, उसके लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप वन प्लस 7 सीरीज़ के स्मार्टफोन के यूजर्स हैं तो यहाँ से आगे के सभी स्मार्टफोन पर ये चीज़ शुरुआत हो जाती है। वन प्लस 7 सीरीज़ पर जो भी उपयोग करता है उनको यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जब अपडेट आएगा उसी पर ऑक्सीजन ओएस 12 की जगह पर कलर ओएस का अपडेट देखने को मिलेगा। इसी के साथ वन प्लस 8 सीरीज़ पर भी कुछ इसी तरीके से यह बात लागू होगी, और वन प्लस 9 सीरीज़ पर जो एंड्रॉयड 12 की टेस्टिंग चल रही है उनको भी कुछ इसी तरीके से OTA अपडेट के द्वारा यह अपडेट दिया जाएगा। साथ में यहां पर कुछ सिक्योरिटी पेज लेवल और एंड्रॉयड अपडेट के बारे में भी इन्होंने प्लान बनाया है, जो कि यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोडक्ट है इनके, जो भी टी या फिर आर की सीरीज़ में, उन सभी को मैं बता दूं, वन प्लस 8 सीरीज़ से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है। वन प्लस 8 सीरीज़ और नए डिवाइसेस को 3 प्रमुख एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल के सुरक्षा अपडेट प्राप्त होंगे। साथ में नॉर्ड और नॉर्ड सीई, जो कि पहले वन प्लस नॉर्ड और नॉर्ड सी लॉन्च हो चुके हैं, साथ में आने वाले फ्यूचर में जो लॉन्च होंगे उन सभी को 2 प्रमुख एंड्रॉयड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पेच दिया जाएगा। इसी के साथ नॉर्ड एन सीरीज, जो कि यहाँ पर इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है परंतु विदेशों में लॉन्च की गई है, उसको यहाँ पर N10 और N100 से शुरू होकर N सीरीज के आने वाले फ्यूचर में जो भी स्मार्टफोन आएंगे उन सभी पर 1 प्रमुख अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पेच अपडेट देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर वन प्लस ने रणनीति अपनी तैयार कर ली है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, जो ऑक्सीजन ओएस जितना ज़्यादा हम लोगों को स्मूथ और क्लीन देखने को मिलता था, अब कुछ उसी तरीके का जो बेस होगा वो यहाँ पर कलर ओएस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक मर्जअप हो सकता है, ऑक्सीजन ओएस को हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।